अमरोहा लोकसभा से पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने जनपद के मंडल अध्यक्षों के जरिए पहुंचाया गरीबों जरूरतमंदों तक 15 दिन का राशन। बता दें कि अमरोहा लोकसभा के पूर्व सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर समाज सेवा का जज्बा अपने दिल में लगातार पाले रहते हैं और उनकी ये समाज सेवा निरंतर जारी रहती है। अभी देश कोरोना वायरस जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे हालात में चौधरी कंवर सिंह तंवर ने सरकारी कोष में आर्थिक सहायता भी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर उन्होंने पीएम केयर फंड में धनराशि जमा कराई थी, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री राहत कोष में भी धनराशि जमा करवाई थी। समाज सेवा का जज्बा दिल में रखने वाले पूर्व सांसद वरिष्ठ भाजपा नेता एवं समाज सेवी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अमरोहा से चुनाव हारने के बाद भी अपनी समाज सेवा लगातार जारी रखी हुई है और इस बार उन्होंने बाहर से प्रवासी मजदूरों व जनपद भर में उन परिवारों की मदद करने का फैसला लिया है। पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह ने अमरोहा जनपद के भाजपा मंडल अध्यक्षों के माध्यम से 15 दिन का राशन जरूरतमंदों के घर पहुंचाने की मुहिम शुरू कर दी है। आज का कार्यक्रम हमने जो रखा, भारतीय जनता पार्टी के मैंने सभी पदाधिकारी बुलाए, खास करके मंडल अध्यक्ष बुलाए। हमने एक प्रोग्राम रखा है, ये जो लोग गांव में बाहर से भी आए हैं, कुछ ऐसे गरीब आदमी हैं जो गरीब बच्चे नौकरी कर रहे थे, कोई कपड़े की दुकान पे, कोई जूते की दुकान पर, और उनके पास ज़मीन नहीं है गांव में। वो लोग अपना गुजारा करते थे छोटी मोटी नौकरी करके, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों के बिजनेस नहीं चले, जो गरीब आदमी हैं वो उनके लिए आज खाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। तो मैंने ये एक स्कीम चलाई है अपने मंडल अध्यक्ष के थ्रू, अब वो उन गांवों में पता करें, हर गांव में 10 घर हैं, 5 घर हैं, तो पूरे क्षेत्र में जितने मंडल हैं उन मंडल अध्यक्ष के थ्रू हम पैकेट दे रहे हैं उनको खाने का। और जब तक ऐसे लोग जो आगे भी, हम ये नहीं है कि अभी एक बार दे दिया, उनको देते रहेंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब तक उनका कोई रोज़गार ना होगा। जब तक हमने ये एक वो बनाई है एक स्कीम मैंने अपने मंडल अध्यक्ष के थ्रू, अब मैं उनको उनकी मदद करूँ, उन परिवारों की मदद करूंगा। उनमें हमने जो राशन दे रहे हैं वो 15 दिन का राशन दे रहे हैं और फिर उसके बाद में ख़त्म हो जाता है उनका राशन, तो फिर देंगे हम, लेकिन उन्हीं को देंगे जो ज़रूरतमंद हैं।